और ये देखिए दोस्तों, ये है बोरा वाला और ये प्लास्टिक वाला और ये भी बोरा वाला है और ये सभी में पूरा पाइप है वहाँ से लेकर यहाँ तक। और फाइनली दोस्तों हम साइकिल खरीद लिए हैं, देखिए यही बड़ा वाला है। हाँ। और माय बेटा लोग एकदम खुश हो गए हैं। हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का और एक नया वीडियो में। और अभी का सुबह का 7 बज रहा है हमारे और से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और कल दोस्तों हम गए थे मशीन के लिए, पंप यानी कि उसका पाइप खरीदने के लिए। और वहां तो हमें मिला दोस्तों, लेकिन क्या है साइज में बहुत बड़ा था तो हम दोस्तों उसे नहीं लाए। और आज दोस्तों हमेशा की तरह फिर से हम सुबह उठकर रेशमा जी साइड अभी खाना पका ली है, अभी सब्जी बना रही है। तो दोस्तों आज हम सोच रहे हैं फिर से आज जाएंगे हम पाइप खरीदने के लिए। और क्या है ना दोस्तों, आजकल थोड़ा धूप बढ़ गई है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से हम सुबह ही जल्दी थोड़ा निकले और घर लौटते वक्त थोड़ा हम जल्दी आ पाएं, क्योंकि दोस्तों हम कल रिंग को पानी नहीं पटाए हैं तो हम पाइप खरीद कर लाएंगे ना, तो आज शाम तक दोस्तों रिंग में फिर से हम पानी डाल देंगे बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें अनिवार्य है, ज़रूरत है कि उसमें डेली पानी डालने का, तभी जाके रिंग एकदम मजबूत पकेगा और रिंग को जब कुआं में उतारते वक्त तो क्रैक या डैमेज या ना फूटे। और अभी हम चलते हैं दोस्तों रेशमा जी की और क्या सब्जी बना रही है यार, हम जाके देखते हैं। और ये देखिए दोस्तों, माँ बेटी सब्जी बना रहे हैं। हाय बोल दे बेटी, माही। हाँ नमस्कार दोस्तों आप सभी को और हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज दोस्तों रेशमा जी क्या सब्जी बना रही हम देखते हैं, क्या सब्जी बना रही है जी? टमाटर का चटनी। टमाटर का चटनी। हाँ तो कढ़ाई अभी रख दी है दोस्तों और उस साइड देखिए टमाटर काट के भी तैयार कर दी है। और अभी हम इसीलिए भी बना रहे हैं दोस्तों, अभी हम जल्दी से टमाटर पक जाता है तो थोड़ा थोड़ा भोजन करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। हाँ। और घर लौटते तक तो पता नहीं अब शाम हो जाएगा क्या, क्या ना जी? हाँ शाम हो जाता है इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। हाँ और माहे बेटा के लिए हम थोड़ा सा पकड़ देंगे और पानी और थोड़ा सा भोजन ना जी। हाँ। ये देखिए सरसों डाल दिए अभी और इसमें दोस्तों हम डाल दिए प्याज और मिर्चा और आग को हम थोड़ा जल्दी जलाते हैं। और एक की लकड़ी ला दीजिए इस साइड दोस्तों, हम लकड़ी ला के इकट्ठा किए हैं और यही पास चूल्हा। प्याज मिर्चा पक गया है, अभी हम इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे ताकि मीठा मत लगे। माहे बिटिया खा नहीं पाती है जी, थोड़ा कम डालना। बस हो गया। और हम थोड़ा सा हल्दी भी डाल देते हैं। और अभी दोस्तों सब प्याज हल्दी मिर्चा सब पक गया है, अभी हम टमाटर को डाल देते हैं। और टमाटर दोस्तों ज़्यादा पकने के लिए टाइम नहीं लगाता है, अभी ऐसे हम ढक देंगे और कुछ ही देर में ये पूरा पक के तैयार हो जाएगा। और हम फटाफट भोजन करेंगे और यहाँ से हम निकलेंगे। और इस साइड से माही बेटिया फिर से आ रही है, आइए क्या को निकाल रही है? बदमाश कहीं के क्या क्या खोज के सब खेलते रहती है। हाँ एक जगह नहीं रहती है दोस्तों, बहुत चंचल और शरारती हो गई है माही बिटिया। और कल हम दोस्तों शाम को ही रेशमा जी के साथ हाथ से पकड़कर और जो पानी पंप है उसे हम ला लिए हैं और शाम को दिखाए हैं भी दोस्तों, लेकिन अभी एक बार हम देखते हैं जो फिल्टर ख़राब था उसके लिए हम फिल्टर खरीद के लाए हैं और उसमें वो हो पाएगा फिटिंग या नहीं हो पाएगा तो पता नहीं हमें भी। और ये देखिए दोस्तों इसमें लिखा है केरोसिन और इधर देखिए पेट्रोल, इसमें दोस्तों हम मट्टी तेल भी डाल सकते हैं और इसमें पेट्रोल भी डाल सकते हैं, दोनों से चलता है। और ये भी दोस्तों होंडा का ही मशीन है और हम कल जो फिल्टर लाए हैं उस साइड है, लाइए जी और उसको देखिए खोल के। और इसको दोस्तों हम एक बार खोल के देखते हैं और यही है जो कल सड़ गया था। और माही बिटिया तो मैकेनिक आ गई बनाने, नहीं साइड में हो जाइए ना माही बिटिया को देखिए पूरा धूल खेल दी है। ये लीजिए जी दतुल। हाँ दीजिए। अभी हम यहाँ से निकाल लिए हैं और ये देखिए दोस्तों ये पूरा सड़ गया है, इसको हम निकालते हैं। और इसमें क्या है, ये एयर फिल्टर है, हवा को फिल्टर करती है और देखिए पूरा चूरन हो जा रहा है इसे पकड़ते ही, और यही तो मेन सड़ गया था। और हम निकाल देते हैं, ये देखिए निकल गया पूरा, ये ख़राब हो चुका था। और एक बार माही बिटिया तरफ दिखाइए जी, ये मोटरसाइकिल की तरह इसमें चढ़ रहा है दोस्तों, ये नहीं दौड़ेगा बेटी, ये पानी खींचता है।
ओ दे ओ दे ओ दे ओ दे देखी देखी हरी ये दे बड़ा मिस्त्री है वो, नहीं तोड़ेगा वो मोटरसाइकिल नहीं है वो। और ये है दोस्तों, इसी को हम इसमें काटते हैं और इसमें लगा के हम देखते हैं उसके बाद इसमें क्या है वो बताए। जब इसको लगाओगे उस समय यहाँ थोड़ा सा ऑयल डालना, उसके बाद ही मशीन को चालू करना बोले हैं। और हमारे पास तो अभी ऑयल नहीं है, तो अच्छा होगा कि हम पाइप खरीदने भी जा रहे हैं, उधर से हम लाएंगे थोड़ा ऑयल और ये पाइप सब सामान को ना जी उसी वक्त इसमें डालकर और हम मशीन को चालू करके देखेंगे। हाँ, ये तो हम क्लीन कर दिए हैं इसे। और आप लोगों का दोस्तों कमेंट आया है कि कुआं कितना गहरा खुदाई हुआ है उसे जरूर दिखाइए बोल के। और जब खोद रहे हैं तो कुआं का मिट्टी थोड़ा सा चिपचिपाहट निकलना चाहिए, इतना निकलने तक भैया लोगों को खुदवाई करवाओ बोल के। लेकिन हम उनसे काफी के हैं दोस्तों, और एक बार हम कुआं के पास भी चल के देखते हैं और कितना गहरा है उसे भी हम दिखाएंगे। और कल हम पानी नहीं पटाए हैं रिंग में, उसे भी हम दिखाते हैं ना जी। आज दोस्तों किसी भी हालात से हम पानी तो जरूर रिंग में हम पटाएंगे, तो चलिए जी चलिए। और दोस्तों आज कहे हैं जो भाई लोगों का हम बैलगाड़ी लेके आए हैं, वो लोग लेके जाएंगे बोल रहे थे, और आज आएंगे तो बोले हैं पता नहीं। और इस रस्सी को हम खोल के रखेंगे और ड्रम को भी निकाल देंगे, है ना जी। हाँ, ड्रम को निकालेंगे और हाँ। बैलगाड़ी को ले जाएंगे तो ले जाएंगे। हाँ। पता नहीं दोस्तों आएंगे तो बोले हैं, देखते हैं यही पास हम छोड़ देंगे, अभी तो हम निकलेंगे हाँ। पाइप लाने के लिए। हाँ। और ये ड्रम भी पानी खाली हो गया, और इस साइड दो ड्रम है वो भी पानी खाली हो गया। हाँ, इस साइड दो ड्रम है ये भी खाली हो गया है। और आज रिंग में पानी नहीं दिए हैं ना जी, नहीं दिए हैं, कल कल शाम से नहीं दिए हैं। हाँ, कल शाम को भी नहीं दिए, आज सुबह भी। अभी हम जल्दी से निकलेंगे, तब जल्दी शाम को वापस आएंगे ना। हाँ। फिर पानी लेके भी आ जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं दोस्तों पाइप आज हम खरीद लेंगे, मिल जाएगा तो ये रिंग है, रिंग के नीचे हम फ्लोरिंग कर देंगे ना जी। हाँ। हम पहले क्या किए थे दोस्तों, देखिए हम प्लास्टिक लाए थे और इस प्लास्टिक को हम ये जो रिंग है इस रिंग के अंदर हम डाल दिए थे, और यहाँ पास हम पानी भर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, ये रिंग ना झिल्ली के वजह से इस साइड पानी पार नहीं हो पा रहा था और रिंग नहीं पक पा रहा था। तो दोस्तों हमारे पास वो लाए हैं दो ब्याग सीमेंट है, उसी सीमेंट से हम तीन या चार ऐसे रिंग को हम नीचे साइड फ्लोरिंग कर देंगे, और उसी में दोस्तों हम पानी भरेंगे मशीन के जरिए। वो हमारा पानी मशीन है उससे। अरे भैया लोग दोस्तों जो भी रिंग बनाए ना वो उतना फिनिशिंग नहीं बनाए हैं, सभी को डैमेज क्या क्या करके बनाए हैं। देखिए इसका अंदर से छड़ दिख रहा है, ऐसा बहुत सारा रिंग में ऐसे ही बनाए हैं टोटल। तो हम भैया लोगों से कहें भी, लेकिन क्या ही कहे दोस्तों, उन लोग नाराज हो जाते थे। हमारी बेटी अंदर में घुस गई है। एक बार गाइस हम कुआं कितना गड्ढा हुआ है उसे भी दिखा देते हैं, और आप लोगों का बहुत प्यारा प्यारा कमेंट आया है कि कुआं कितना गड्ढा है दिखाइए बोल के। तो चलिए जी हम कुआं को दिखा देंगे। चलिए चलिए, कुआं का गड्ढा देखिए गाइस, लोग अनुमान अच्छी तरह से कर सकते हैं ये कितना फीट होगा। मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। और अभी दोस्तों हमेशा की तरह हम फिर तालाब गए थे और वहां से नहा के आ रहे हैं माही बिटिया। तभी दोस्तों हम घर पहुंचने ही वाले हैं, और थोड़ा थोड़ा हम भोजन करते हैं फिर यहां से फिर हम निकलते हैं जी माही। क्या हुआ बेटा, धूप जल्दी आ जल्दी छाए हम पहुंचेंगे। हाँ। और अभी दोस्तों रेशमा जी भोजन निकाल रही है, और हम जो बनाए थे इसी समय टमाटर का चटनी। चल छोटा सा रूम हो जाता है। और माही बेटी इतना बड़ा प्याज को खा रही है जी ले लीजिए लीजिए, जल्दी खाइए भोजन कीजिए फिर हम यहाँ से निकलेंगे। ले ले बेटी नहीं खाएगी। और हम अभी दोस्तों फटाफट भोजन कर लेते हैं, और माही बेटे के लिए थोड़ा सा पानी और भोजन पकड़ दीजिएगा ना। और अभी दोस्तों हम खाना खा लिए हैं, और माही बिटिया के लिए इस टिफिन डब्बा में पकड़ दिए हैं, और माही बिटिया को थोड़ा सा तेल लगा दे रही है, और ये टोपी भी हम पकड़ लिए हैं। अभी क्या है धूप थोड़ा बढ़ते जा रहा है, तो चलिए जी अभी निकलते हैं। हाँ चलिए चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी पहनो, चलो इसमें डालो इसमें। अरे कैसे निकल जाता है रे, पहन ली ना।
हाँ होगा। और आप दोस्तों देखिए माही बिटिया कितना ब्यूटीफुल दिख रही है। माही बिटिया दोस्तों अब निकल गई, चल रही है, अभी हम भी जाते हैं माही बिटिया के पीछे पीछे। चलो 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 आइए आइए। चलो आइए माही। हाँ हाँ उसको भी देख लिए हैं। चलो चलो। और आज भी दोस्तों एक भाई से हम सहयोग मांगे हैं और कुछ ही दूर हमें वो पहुंचा देगा और मिलेगा तो हम उधर बस में जाएंगे ना जी। हाँ। नहीं तो उसी भाई को हम बोले हैं पेट्रोल भरवा देंगे तो हाँ तो बोले हैं, लेकिन हम चलते हैं वो रोड के पास है। हाँ। चलिए चलिए। हाँ टोपी क्यों लगा माही? लगा बेटा, धूप कर रहा है। हाँ टोपी को लगा, बहुत धूप दे रहा है। लगा आ, लगा देते हैं। लगा दे। हाँ ऐसे लगा, ऐसे पसंद नहीं करती है ज्यादा। अच्छा। हाँ ऐसे। चलो चले। सामने तरफ से छाया देता है। हाँ टोपी लगा ली माही बिटिया। भाई भी ओढ़ा ली। हाँ और में बहुत धूप दे रहा है। और अभी दोस्तों हम पहुँच गए हैं मोहला, और यहाँ पास दोस्तों एक सब्सक्राइबर भाई है और उससे दोस्तों हम और वो भाई भी काफी दिन से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमारा उससे मुलाकात नहीं हुआ है। और एक बार हम साइकिल के लिए ही आए थे तो अचानक मुलाकात हो गया था ना जी। हाँ। तो उसके पास अभी जाते हैं दोस्तों। तो चलिए जी। चलिए। और उसका एक शॉप है दोस्तों, वो सीमेंट का वो डीलर है या पता नहीं, वो सीमेंट का दुकान है बहुत बड़ा। और अभी दोस्तों हम पहुंच गए सर जी के पास और यही है, और हम भी काफी चाहत था कि एक बार हम मिले। और हमारे गांव से ये करीब है ये मोहला, और हमारे यहाँ कुछ काम रहा छोटा या बड़ा तो हमारे यहाँ आना जाना रहता ही है। तो आज घर से कुछ काम को लेकर सिलसिले में निकले, तो चलिए रास्ता में है तो एक बार मिल लेते हैं बोले, और आज मिले। और मिलने के बाद हमें काफी खुशी लगा, दिल से बहुत अच्छा लगा। ये कि मेरे बहुत अच्छा लगा था, वैसे मैं पहली बार इनसे मिला था, इसी दुकान में मिला था। हाँ, लेकिन जैसे पहले बार भी बात किया ना तो बहुत अच्छे लगे भैया का, एकदम नेचर भी बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा बात कर रहे। तो हम पहले एक बार आए थे ना भैया, वो सीमेंट पता करने जैसे आए थे, तभी मिले थे। और भैया से दोस्तों हम मिले हैं तो भैया का कहना है कि एक बार हमारे घर या हमारे गांव एक बार घूमने या मिलने जैसे आऊंगा बोल रहा है। तो हम सोच रहे हैं दोस्तों या कल या परसों जैसे भी उसे समय मिले तो एक बार जरूर आइए, बल्कि हम क्या इन्वाइट है और क्या हम एक न्योता दे रहे हैं, तो जरूर आइए भैया। आप भी आऊंगा भैया, बस मेरे को मौका मिल जाए उधर जाने का, मतलब जैसे आपको फोन करूंगा आप बोलोगे कि इस दिन थोड़ा सा मेरा भी कुछ काम है उधर। अच्छा, मैं आ जाऊंगा उधर। जी जी जरूर आइए। और भैया जी का दुकान ही देखिए दोस्तों। और हम क्या कह रहे हैं भैया, जैसे कि अभी हम जा रहे हैं चौकी जाएंगे, तो यहाँ तो पहले हम आए थे ना, यहाँ लेडीज साइकिल तो मिलना ही मुश्किल है। आ, नहीं, तो नहीं मिल पा रहा तो हमारे दुकान में भी मिलता है लेकिन वो पूरा जेंट्स वाला मिलता है, लेडीज वाला नहीं मिलता। तो हम सोच रहे हैं वहाँ साइकिल मिल जाएगा ना चौकी में। चौकी मिल जाएगा भैया, बहुत सारा दुकान है और वैसे भी ना चौकी थोड़ा इससे बड़ा है। बड़ा है ना, वहाँ मिल जाएगा, बहुत सारा दुकान है। और ये मोहल्ला ये डिस्ट्रिक्ट के तो पड़ता है क्या है? ये भी है डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन ये पार्ट है ना तीनों मिल के एक पार्ट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट बना है। अच्छा। जैसे वो चौकी मोहल्ला मानपुर तीनों को मतलब जोड़ के ही एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। हाँ। तो वहाँ वहाँ थोड़ा ज्यादा बड़ा है, मतलब ज्यादा दुकान व्यापारी लोग ज्यादा रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो चलिए दोस्तों भी हम यहाँ से निकलते हैं और भैया से मिले और काफी अच्छा लगा, और भैया भी अपने अमूल्य समय को निकाले और हमें समय दिए। हाँ। भैया आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए जी पानी पी लीजिए। और माही बिटिया दोस्तों रास्ता में ही सो गई। और भैया आजकल हमारे इधर ना काफी धूप भी बढ़ गया, धूप बहुत बढ़ गया, इधर भी बढ़ गया, काफी बढ़ गया। तो सीमेंट तो आप ही यही से हम लेकर गए दोस्तों, यही दुकान से। तो हम अभी रिंग तो बन के हो गया है टोटल, तो पता नहीं घर के लिए सीमेंट कम पड़ेगा या ज्यादा पड़ेगा तो देखना पड़ेगा ना जी। हाँ। वो तो और रिक्वायरमेंट होगा तो आना भी, आप लोग का स्वागत है। वैसे भी आप एक बार आ गए थे हमारे दुकान से ले गए हो आप लोग, और भी जरूरत पड़ेगा तो आप आना। जी जी जरूर जरूर जी भैया। चलो ठीक है तो ठीक है।
और गाइस हम पहुंच गए अभी अंबागढ़ चौकी और यहां पास दोस्तों साइकिल मिलने का पूरा चांस है। हम उम्मीद और भरोसा करते हैं यहां मिल जाए। बड़ा टाउन जैसा है, सिटी जैसा, और मोहल्ला इससे काफी छोटा है, लेकिन ये भी डिस्ट्रिक्ट है और वो भी डिस्ट्रिक्ट ही होता है। हम अभी चलते हैं बस स्टॉप और वहां से हम वार्तालाप करेंगे, पता लगाएंगे। और ये बस दोस्तों डायरेक्ट रायपुर जा रही है और ये जो दोस्तों अंबागढ़ चौकी का ये बस स्टॉप है, ये है दोस्तों यहाँ का धर्मशाला और यहाँ बस पूरा स्टॉप हुआ है, रुका हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ से तो बहुत दूर है ना जी। ये बहुत दूर है, देखिए पूरा बस लाइन लगा हुआ है। और अभी दोस्तों हम साइकिल का पता लगाते हैं और पाइप का और पूछते हैं दोस्तों यहाँ का क्या रेट है। और हमें तो यहाँ पता भी नहीं है दोस्तों साइकिल कहाँ मिलेगी। ये सामने में ही है जी। हाँ। ये मिल गया। हाँ। चलिए और ये देखिए दोस्तों यहाँ का साइकिल स्टोर और यहाँ हम पूछ लेते हैं। बड़ा वाला लेडीज साइकिल मिलेगा? कौन है बड़ा वाला लेडीज साइकिल? हाँ ऐसे लेडीज साइकिल मिलेगा ये वाला में, ये वाला में ना हम इतना दिन और ढूंढ रहे हैं दोस्तों यही वाला साइकिल मिलता है, लेकिन हम इसमें ढूंढ रहे हैं लेकिन ये में मिलता ही नहीं है। हमारे लिए, हमारे लिए ये में बड़ा में नहीं मिलेगा। अच्छा ऑर्डर देना पड़ेगा और यहाँ पास भी नहीं मिला दोस्तों वो बुकिंग, यानी कि ऑर्डर देना पड़ेगा बोल रहे हैं। इतना दिन से हम कहीं भी जाते हैं तो ऑर्डर ही देना पड़ता बोलते हैं, लेकिन बाद में एक साइकिल नहीं आएगा बोलते हैं। और सामने हम पता लगाते हैं मिल जाएगा तो, और इतना दूर से आए हैं तो दोस्तों आज ढूंढ के ही देखेंगे। और पाइप की दुकान में भी चलते हैं और साइकिल स्टोर और भी बड़ा होगा ना जी। हाँ मिलना चाहिए, पूछते हैं किसी से हम। अभी दोस्तों हम बड़ा वाला साइकिल स्टोर में जा रहे हैं, यहाँ पास बहुत ज़्यादा है और यहाँ मिल जाना चाहिए ना जी। हाँ। और ये देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा साइकिल है, देखिए जी देखिए। और भैया से पूछिए। चलिए मैं भी भैया, हमको ना बड़े बड़े वाला साइकिल में लेडीज साइकिल चाहिए, मिल जाएगा? मिल जाएगा बोल रहा है। हाँ। और ये देखिए दोस्तों हम आए हैं अभी पाइप देखने के लिए और भैया यहाँ पास ले जाने यहाँ पास दिखा रहा है। ये बोरी वाला है ना? हाँ। अरे वो कपड़ा वाला नहीं है ना? दिखाइए दिखाइए ना एक बार देख लेते हैं। ये बोरी का है ना? हाँ। और ये प्लास्टिक। हाँ। इसका क्या रेट है? 1200। कितना फिट है? अच्छा इससे और लंबा नहीं मिलेगा? नहीं। क्वालिटी में कौन सा अच्छा है? अच्छा नहीं इससे कंपेयर करें तो कौन सा अच्छा है प्लास्टिक के साथ? अरे ये ठीक है, ये जल्दी नहीं फटेगा ना? लेकिन आपके पास कपड़ा वाला तो नहीं है बोल रहे तो। और हम काफ़ी जगह गए दोस्तों और पता लगाएं तो हमें बताएं अंत ये लक्ष्मी बोरेल्स बोल के, और यहाँ पास वो कपड़ा वाला पाइप है वो मिलेगा बोल रहे ना जी। हाँ। तो हम कपड़ा वाला पाइप प्लास्टिक और बोरा वाला। हाँ। हम तीनों प्रकार का पूरा हम देख लेते हैं पाइप, अभी हम मिलते हैं यहाँ का ओनर से। चलिए जी यहाँ बहुत बड़ा जगह में दोस्तों पूरा सामान है। और ये देखिए दोस्तों ये है बोरा वाला और ये प्लास्टिक वाला और ये भी बोरा वाला है और ये सभी में पूरा पाइप है वहाँ से लेकर यहाँ तक। और अभी हम पूछते हैं अगर वो कपड़ा वाला मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा ना जी। ये सब प्लास्टिक वाला ही है तो यहाँ आपके यहाँ ये चौकी में कपड़ा वाला नहीं मिलेगा भैया? दो जगह और हम पूछ के देखते हैं, वहाँ भी कपड़ा वाला नहीं मिल रहा है। कपड़ा वाला नहीं मिलते है ना? ये कितना फिट है? ये का ज़्यादा होगा भैया? ये कितना है? 200 फीट है ना भैया? ये कितना है सब? कौन? और अभी दोस्तों हम फाइनली यहाँ पास से हम पूरा पाइप खरीद लिए हैं और ये देखिए दोस्तों यहाँ पास एक पाइप है और यहाँ पास एक पाइप है। और माही बिटिया दोस्तों नहीं रह रही है, बहुत रो रही है, तो अभी हम जाएंगे
तो दोस्तों इससे पहले हम साइकिल जो फर्स्ट टाइम देखे थे वही पास जाएंगे ना जी। हाँ, साइकिल पहले ले लेंगे, फिर हम बस में जाएंगे ना माही बिटिया। हाँ, बस में जाएंगे। हाँ, नहीं रोना। हाँ, बस में जाएंगे बिटी अभी हम। चलो। और अभी दोस्तों फिर से वही आ गए और यही हम साइकिल लेकर अभी जाएंगे। और ये साइकिल दोस्तों तभी निकाले थी, ये सिंपल के लिए बाहर रखे थे और काफी दिन से बाहर ही है। तो भैया के पास तो और है, बहुत ज्यादा और है ना भैया। हाँ, एक बार हम देख ले क्या। और अभी दोस्तों एकदम न्यू और सोल्ड भैया जी लाने गए हैं और इसी साइकिल को हम यहाँ से लेकर जाएंगे ना जी। बस में हम लेके जाएंगे। हाँ, बस के अंदर ऊपर में हम डाल देंगे ना। हम इंतजार करते हैं अभी। और एक साइकिल और खरीदने आए हैं भैया लोग। और माही बिटिया दोस्तों ये क्या बटन का दबा दी, तुम्हारा तो गाना चल रहा है। अपने आप बंद हो गया जी। बच्चों का है। चल आगे चला, पापा की तरफ जा, इसको पकड़, जा पापा के पास जा। ये देखिए माही बिटिया चला रही है होंडा, होंडा गाड़ी चला रही है। देखिए दोस्तों फाइनली साइकिल अभी पहुंच गया, काफी अच्छा है जी। लगा दीजिए भैया वो सामने उन्हें सब इधर ये झांझा। धीरे धीरे हमारे साइकिल देखिए ये सज रहा है, ये सीट कवर भी डाल दिए और ये वाला अंदर वाला। और माही बिटिया तभी से ही बैठ गई। बैठ गई ना। हाँ, नया साइकिल में बैठ गई। हाँ, अभी साइड घंटी लगा दे रहे हैं भैया लोग। अब हमें बहुत आसान होगा ना जी इधर उधर जाने में। हाँ, और इसी साइकिल को दोस्तों हम बहुत ढूंढे और फाइनली आज हमें मिल गया। ऐसे बड़ा में लेडीज साइकिल ढूंढ रहे थे हम तो सामने, इसलिए हम पकड़ा रहे हैं दोस्तों। माही बिटिया का कपड़ा को सामने में रख देंगे, कहीं जाएंगे तो पानी बाटल हुआ कुछ भी। अब लग गया दोस्तों झांझर कम्प्लीट। और फाइनली दोस्तों हम साइकिल खरीद लिए हैं, देखिए यही बड़ा वाला है। हाँ। और माई बिटिया लोग एकदम खुश हो गए हैं। हाँ। अभी हम चलते हैं दोस्तों इसको बस स्टॉप ले जाते हैं और वहाँ से हम साइकिल को बस के ऊपर में डाल देंगे ना जी। हाँ। तो साइकिल को पकड़िए जी, माई हाँ। बिटिया को मैं पकड़ूंगा। हाँ। और अभी दोस्तों हम पहुँच गए घर और वहाँ से यहाँ पहुँचने तक हमें काफ़ी साँझ रात हो गया। और वहाँ से आते आते दोस्तों माही बिटिया सो गई थी गोदी में ही। हाँ। हम अंदर में सुला दिए हैं और साइकिल को दोस्तों देखिए हमारे पीछे हम खड़े कर दिए हैं। हाँ। और दो पाइप भी खरीदे और मशीन का फिल्टर। और ये साइकिल लाने में तो हमें बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन किसी भी हालात से हम घर सांझ रात पहुंचा ही दिए हैं। हाँ। और दोस्तों साइकिल को आज तो लाएं, लेकिन हम वहाँ भी खरीदते समय हम नहीं देखे हैं चला के या कुछ ऐसा ना जी। तो हम सुबह ही दोस्तों इस साइकिल को हम पूजा करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ा है ये। हाँ। उसके बाद ही दोस्तों इसको हम चलाएंगे या कुछ करेंगे। तो हम ऐसे ही पकड़ के यहाँ तक लाए हैं और खरीदते समय वो भैया लोग ही पूरा चेक वो किए हैं ना जी। हाँ।, हाँ, और आज दोस्तों हम काफ़ी थक गए हैं। हाँ। तो अभी हम भी दोस्तों खाना सब्जी पकाते हैं और काफ़ी शाम भी हो गया है। तो आज दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। और आज के वीडियो दोस्तों थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल में पहले बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखना और हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए बाय बाय।